पिहोवा के गांव सरस्वती खेड़ा कॉलोनी के सरकारी स्कूल में डर के साए में पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। वही बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत ने गुहार भी लगाई थी कि गांव सरस्वती खेड़ा कॉलोनी के सरकारी स्कूल में बच्चे अब डरने लगे हैं, क्योंकि स्कूल के प्रांगण में 5 से 6 फीट का पानी खड़ा है और जिसकी वजह से हमेशा से डर बना रहता है कि कभी किसी बच्चे का पैर ना फिसल जाए और वो पानी में ना गिर जाए। इसी के चलते आज स्कूल प्रशासन व ग्राम पंचायत की संयुक्त बैठक स्कूल में हुई और जिन्होंने सरकार और प्रशासन से पानी निकासी व 4 दीवारी की मांग की। जो स्कूल में पानी भरा हुआ है, कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है इसमें। हमने कई बार कह लिया किसकी 4 दीवारी करवाई जाए, स्कूल में अभी फर्श बैठ गया है, बच्चों के लिए ड्यूल वैक्स नहीं है। सरकार कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर हुआ कुछ नहीं। हम सरकार से ही मांग करते हैं भाई, इसकी पानी की निकासी के साथ साथ इसका मिट्टी भरत और 4 दीवारी करवाई जाए इसकी, और जो यहाँ बच्चों के बैठने की व्यवस्था करवाई जाए, ड्यूल डेस्क जो हैं वो लगवाए जाएँ। जो सरकार कहती है कि हमने हर एक स्कूल में भेज दिए हैं, पर हमारे स्कूल में कुछ भी नहीं आया। तो बताया जाता है कि माँ बाप डर के बच्चे को भेज नहीं रहे, भी पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। पानी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण माँ बाप अपने बच्चों को भेज नहीं रहे हैं, और जब तक यहाँ बच्चे नहीं आएंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे, और जब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो माँ बाप बच्चों को भेजेंगे नहीं। पानी खड़ा है बहुत गहरा है, हमें डर लगता है, जाते भी परेशानी होती है और बच्चों को गिरने का भी डर है, और हमारे सारे रूम से रूठे पड़े हैं, फर्श भी टूटा पड़ा है और सभी बच्चे भी डरते हैं इस पानी से, बहुत गहरा है ये पानी। जब हम आते हैं बहुत परेशानी होती है हमको इस पानी से, पैर फिसलने का डर होता है हमारा इधर, क्योंकि इधर चिक्कड़ होता है तो हम। क्या नाम है आपका? लवप्रीत। कौन सी क्लास में हो?